हो सकता है कि KTM इस बार कोई नई बाइक लॉन्च कर सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से वे जाने का रास्ता है, सामने से गाड़ी आ रही है, रास्ता जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेड बता रहा है। जो मेरा मोबाइल इस वक्त आप देख रहे हो ना, iPhone 11 Pro, रात को 11 बजे यहाँ से निकल के रास्ते पे गिर गया। चलो देख लो ये आज का सबसे खूबसूरत नजारा। स्पीड इस वक्त 100 क्रॉस कर चुकी है, 100, 101, 102। निकलने के वक्त पता चला कि जो कमर का बेल्ट आता है, जिसे लूनर बेल्ट कहते हैं, लूनर वेस्ट बेल्ट कहते हैं, आई लॉस्ट इट समवेयर। कोल्हापुर में पहुंच चुका हूँ और कोल्हापुर पहुंच के थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। इतिहास रचा दूंगा मैं बाइक राइडिंग में, राइट टाइम एट राइट प्लेस। आप देख सकते हो सामने सनसेट दिख रहा है कांच में, लगता तो नहीं है कि लायन, लेपर्ड और कोई चीता यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर इस जन में स्वागत है। दोस्तों आज की जो राइड है वो IBW 2022 के लिए है, और इसके लिए आज 30 नवंबर को मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, मुंबई से कोल्हापुर। रात को ब्रेक जर्नी होगी कोल्हापुर, और कल सुबह कोल्हापुर से गोवा के लिए। तो आज की जो जर्नी है 385 किलोमीटर, और करीब करीब 7 घंटे और 40 मिनट का यहाँ से गूगल मैप पर रास्ता बता रहा है, तो करीब करीब 8-8.5 घंटे तो लगने ही वाले, बिकॉज बीच में कई बार मैं कॉफ़ी ब्रेक भी लेते रहूँगा। और दिन की शुरुआत जो है, सबसे पहले देवेन पोखले मेरा खास दोस्त, मेरा फेलो राइडर है, कई बार राइड हमने साथ में की है, उसी का जस्ट अभी कॉल आया और उसने ऑल द बेस्ट कहा है, तो थैंक यू सो मच देवेन। दोस्तों तो मैंने उस वक्त करीब करीब 4 से 5 बार सोलो ट्रिप की थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मैं कंटिन्यू सोलो ट्रिप कर ही नहीं पाया। हर बार या तो KTM के साथ चला जाता या फिर मेरे कुछ खास दोस्त थे उनके साथ मैं ग्रुप राइड करता। हालांकि ग्रुप राइड के भी अपने एक अलग फ़ायदे हैं, अपने एक अलग मज़ा है, लेकिन मैं काफ़ी समय से सोलो राइड को बहुत मिस कर रहा था। तो आज संजोग से सोलो राइड का जो मौका मिला है, इसे मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। सोलो राइड में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप और सिर्फ आप अपने ख्यालों में, अपने मस्ती में, अपने धुन में बस बाइक चलाते रहो। हो सकता है कि KTM इस बार कोई नई बाइक लॉन्च कर सकती है, उस तैयारी में KTM लगी है, इसीलिए एंड मोमेंट पे KTM ने पार्टिसिपेट किया है। और हाँ, साथ ही इस बार पहली बार मैंने भी सुना है कि पहली बार KTM जो है एक्सेसरीज में अपने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस बार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे बाइक में तो जितना मज़ा आता है उतना तो आता ही है, लेकिन उसकी एक्सेसरीज को बाय करने में मुझे और भी बहुत मज़ा आता है। देखिए पूरी इस तरीके से ये जाने का रास्ता है, सामने से गाड़ी आ रही है। हर बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये कसम से बहुत ही ख़राब चीज़ है, गवर्नमेंट खुद तो भी एक्शन ले। देखिए कितनी शान से ये नो एंट्री में एंट्री मार के आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। पिछली बार मेरा दोस्त जो है किरण, उसका भी यही हुआ, पुणे के आसपास उसका एक्सीडेंट हुआ था गोवा जाते समय, और पुणे के एक्सीडेंट होने की वजह भी यही थी कि सामने से बाइक आ गई, जहाँ की आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। थोड़ी सेफ्टी अगर रखेंगे तो उनकी खुद की जान और दूसरों की भी जान बच सकती है। रास्ता जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेड बता रहा है, मुझे लगता है कि मेरा 1 घंटे का ट्रैवल एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। दूर दूर तक जो है भयंकर ट्रैफिक है, पता नहीं क्या है सुबह सुबह, ये इतने सारे एक्सप्रेस वे, इतने सारे चौड़े रोड बना चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रैफिक जो है मुंबई का कभी ख़त्म नहीं होता, दैट्स सो सैड। अब समझ में आ रहा है कि मुझे जो फिर से जो हाईवे पे गाड़ियां सामने से आ रही थी और बाइक सामने से आ रही थी, उसकी वजह ये था कि यहाँ पे भयंकर ट्रैफिक जाम था, तो वो फिर से यहाँ से यू टर्न लेके वन वे से फिर रिटर्न आ रहे थे। पता था कि इस ट्रैफिक में अटक जाऊँगा, लेकिन 15 मिनट में ये ट्रैफिक जो है ख़त्म हो गया और मैं बाहर निकल पाया। पर ये मैं समझना कि ट्रैफिक नहीं था दोस्तों, ये बाइक की वजह से मैं साइड से होते रोड से नीचे उतर के साइड से होते आगे पहुंच गया हूं। अगर कार में होते तो आपका 1 घंटा पक्का बिगड़ता था। आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त जो है हम लोनावला पहुंच चुके हैं, करीब 2 घंटे लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। मालडोली राइड पर पूरी तरह मेरी बैंड बच चुकी थी। ये जो मेरा मोबाइल इस वक्त आप देख रहे हो ना, iPhone 11 Pro, 256 GB, रात को 11 बजे यहाँ से निकल के रास्ते पे गिर गया, और इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, सांस रुक गई थी मेरी। 2 मिनट बाद मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं है, पूरे रास्ते पे लाइट नहीं थी। 2 किलोमीटर तक मैं रास्ते पे भागा हूँ मेरे मोबाइल को ढूंढने के लिए पागलों की तरफ, और लास्ट में जब कहीं पर भी मोबाइल नहीं मिला तो मैंने एक दूसरे के नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल किया, तो सामने वाले व्यक्ति ने मेरे फ़ोन पे कॉल उठाया और उसने कहा, भाई साहब आपका मोबाइल मेरे साथ सेफ है और मैं आपको दे दूंगा, बस आप इस एड्रेस पे आ जाओ, मैं दे दूंगा। रात के 11:30 बज चुके थे, डर भी लग रहा था अकेले जाना, तो मैं अपने दोस्त को साथ में लेके गया, और वहाँ पे जाते ही उस बेचारे इंसान ने, भले इंसान ने, ऐसे इंसान आज के ज़माने में कहाँ मिलते हैं यारों, तो उसने जो है मुझे अपना मोबाइल दे दिया। बदले में मैंने उसे 5,000 रुपये दिए, उसे लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों मैंने उसे इतनी बार थैंक्स कहा कि मैं क्या बोलूं।
तो एक सबक मिला। पिछली बार जो था, ये जो मोबाइल का आप मेरा ये होल्डर देख रहे हो, मोबाइल माउंट का, ये मैंने क्या नाम था उसका, मोबो करके कुछ नाम था कि ऐसा ही कुछ नाम था, 1100 रुपये का लिया था। बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों, कभी भी आप मोबाइल माउंट लेते हो तो ऐसा वाला लीजिए जो दांत वाले जो आते हैं, जो क्या बोलते हैं, तो कि आपके मोबाइल को प्रॉपरली पकड़ सके ग्रिप में। मोबो का जो था वो साइड से स्क्रू वाला था, जैसे आपकी बाइक मूवमेंट करती है वो स्क्रू खुलते जाता है और फ़ोन गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो 1.5 लाख के फ़ोन को बचाने के लिए 1500 वाले मोबाइल के माउंट को यूज़ मत कीजिए। इस बार जो आप ये मोबाइल माउंट देख रहे हो, ये है 5000 रुपये का वाला, और ये है रैम का मोबाइल माउंट। तो मैंने भी भाई 5-5.5 हज़ार खर्चा किया है, और उसके बाद ये मेरी पहली राइड है इस रैम के मोबाइल माउंट के साथ में। पास का माहौल देख के समझ चुके होंगे कि इस वक्त जो है मैं पुणे में पहुंच चुका हूं, और इस वक्त बजे है 12:53। बाइक की जो स्पीड इस वक्त 100 क्रॉस कर चुकी है, 100, 101, 102, करीब करीब मैंने 110-115 तक बाइक भगाई हुई है ये एकदम खाली रास्ते पे। बट लॉन्ग राइड में मैं अवॉइड करता हूँ कि ज़्यादा मस्ती पसंद नहीं है मुझे। हम एस के फैमिली एंड रेस्टोरेंट, ज़बरदस्त वॉशरूम, आइए ज़ोर से मुझे। तो एक यहाँ बाइक पार्क करेंगे, वॉशरूम जाएंगे, और हो सकता है एक मूड हो गया तो कॉफ़ी भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। यहाँ से सतारा करीब करीब 60 किलोमीटर है, और वहाँ पहुँचने में लगेंगे मुझे करीब करीब 1 से 1.5 घंटा। तो अगला जो ब्रेक होगा वह सतारा में होगा, और बड़ा मज़ा है यहाँ पर भी। जैसे ही आपको देखते हैं बाइक के इस अवतार में, तो काफ़ी सारे लोग आपके पास में आकर आपको पूछते हैं कि सर कौन सा यूट्यूब चैनल है, कौन सी बाइक है, क्या नाम है सर आपका। तो अपने 2 सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर भी बढ़ गए। तो चलो देख लो ये आज का सबसे खूबसूरत नज़ारा, सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ट्रेन से उतर गया है देख के आज का मेरा, बैटरी जो है उड़ चुकी है, तो अभी बाइक 10 मिनट यहाँ पे रोक के फिर से बैटरी चेंज करनी पड़ी है। तो जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हो कि मैं घाट पे चढ़ चुका हूँ, यानी कि सतारा घाट जो है अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ा आ रही दोस्तों इस वक्त यहाँ पे बाइक राइड करते हुए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा अमेजिंग एहसास है, और टचवुड क्लाइमेट बहुत साथ दे रहा है। अभी भी 2:30 बजे है, लेकिन गर्मी मुझे ज़रा भी फील नहीं हो रही है। मुझे जो है घाट के ऊपर कॉर्नरिंग करने की बहुत मज़ा आती है, वो जिग-जैग वाले रोड, और कभी लेफ्ट में बाइक टिल्ट करो, कभी राइट में करो, अमेजिंग फन होता है ये। चार्ल फैमिली रेस्टोरेंट दिखी जो कि प्योर वेज लग रही है, तो मूड हुआ कि यहीं पर एक बाइक रोक के छोटा सा एक लंच ले ले यार, बहुत ज़ोर की। मैं सातारा पहुंच चुका हूं, और यहां पे एक ये होटल है विशाल जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो। देवे ने मुझसे कहा था कि सातारा पे हाका मसूर बहुत ही फेमस है, सब्जी होती है, तो उसके साथ अब वो पहली बार मैं भी टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसका रिव्यू क्या है। तो हाका मसूर की सब्ज़ी ऑर्डर की, और साथ में चपाती, और यहाँ पर बैंगन का भरता बहुत अच्छा मिलता है अगर आप बैंगन खाते हो तो। लेकिन मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया है बैंगन, तो मैं बैंगन ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, पर हाका मसूर ज़रूर ऑर्डर कर रहा हूँ। आज का अपना लंच हाका मसूर की वेजिटेबल और चपाती। तो दोस्तों बैंगन तो मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन हाका मसूर जो है मैंने ऑर्डर किया था। सच कहूँ दोस्तों, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। मसूर है यानी कि भाई साहब फुल ऑन प्रोटीन है, तो अपना काम हो गया। निकलने के वक्त पता चला कि जो कमर का बेल्ट आता है जिसे लूनर बेल्ट कहते हैं, लूनर वेस्ट बेल्ट कहते हैं, जो कि राइनोक्स के मेरे इस जैकेट के साथ में आया था, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, आई लॉस्ट इट समवेयर। सो अगेन आई वेंट टू द राइनोक्स जो दादर के ऊपर उनका शोरूम है, वहाँ पे गया मैंने उनसे कहा भाई आई नीड दिस एनी हाउ टुमारो, आई एम लिविंग फॉर दिस बाइक राइड। तो ही सेड भाई साहब सभी IBW वाले जो है 12-13 बेल्ट सब लेके चले गए, एक भी बेल्ट स्टॉक में नहीं है। तो मैंने कहा भाई तू किधर से भी कर कुछ भी कर, लेकिन मुझे ये बेल्ट दे, इस बेल्ट के बगैर मैं ये राइड इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। उन्होंने अपने थाना शोरूम में फ़ोन किया, थाना में स्टॉक अवेलेबल था, मैं 450 रुपये के बेल्ट के ऊपर 350-400 रुपये वी फास्ट का देने को तैयार हो गया। लेकिन वो बंदा इतना सही था, इतना सुपर था, उसने मुझसे कहा सर 2 मिनट रुक जाइए, जैकेट के अंदर ऑलरेडी एक बेल्ट लगा हुआ है, सर को पूछता हूँ, अगर ये बेल्ट आपको सर देने का बोल देंगे तो मैं जैकेट से निकाल के दे दूँगा, और थाना वाला बेल्ट जो आएगा वो जैकेट में लगा दूँगा। सच छूट राइनोक्स के मैनेजर ने इतना मस्त काम किया मेरे लिए, उन्होंने बोला कि भाई साहब
कि आप लेके जाइए और राइड को एंजॉय कीजिए। मैंने ऐसे भरे हुए ट्रक देखे जो शुगर कैन से भरे हुए ट्रक्स है, गन्ने से भरे हुए ये ट्रक्स है देखिए। और यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है और शक्कर के कारखाने भी बारामती में बहुत ज़्यादा है। तो ये महाराष्ट्र जो है यहाँ पे गन्ने ही गन्ने उगते हैं यहाँ पे। करीब करीब मैं 2500 ट्रक ऐसे रास्ते में देख चुका हूँ जो डबल लोडेड रहते हैं गन्नों से भरे हुए। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, कोल्हापुर में पहुँच चुका हूँ और कोल्हापुर पहुँच के थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। यहाँ से खाली 5 मिनट का रास्ता है होटल श्री साइन के लिए और मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया है। लाइफ में हम रूल्स बनाते हैं और रूल्स बनते हैं तो रूल्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं। मैंने ये रूल्स बनाया था कल कि मैं रात को राइडिंग नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरा जो मूड है चेंज हो चुका है। पूरी एनर्जी है, पूरी ताकत है, पूरा कॉन्फिडेंस है और सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने ये सोचा, अब सोच रहा हूँ ये कि या तो 5 मिनट बाद मैं अपने होटल पर जाके आराम करूँ या फिर यहाँ से 4 घंटे और 34 मिनट का रास्ता है सीधे गोवा के लिए। यहाँ से कोल्हापुर जाता हूँ तो भाई जाके बस जाके सो जाना है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एडवेंचर, फन, मस्ती, 4.5 घंटे की राइड ख़त्म करके सीधे गोवा बीच के ऊपर जाके एक आधा वाइन का ग्लास पी के समुद्र के किनारे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया जाए। तो आप क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? इवन आई एम कन्फ्यूज कि यहाँ तो जाके रेस्ट करूँ या जाके धमाल करूँ, और जो मन बोल रहा है वो ये कि धमाल करूँ। चलते हैं, रिस्क लेते हैं, 4 घंटे 34 मिनट का और एक राइड मारेंगे यहाँ से और सीधे गोवा मिलते हैं। चलिए, अगर राइड सही सलामत ख़त्म हो गई 560 से 570 किलोमीटर राइड किलोमीटर्स की, तो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा इतिहास रचा दूंगा मैं बाइक राइडिंग में और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा मैं। और अगली राइड जो रहेगी वो इससे भी लंबी मैं प्लान करूंगा। इस सब अपना मैकडॉनल्ड, ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है, हाईवे से सीधा लेफ्ट मार के अंदर की तरफ। अचानक ही बोर्ड आ गया तो समय नहीं मिला कि मैं फट से ले लूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल सा मैकडॉनल्ड। वैसे बता दूँ कि मुंबई में कभी मैं इतना मैकडॉनल्ड नहीं जाता जितना कि हाईवे पर जाता हूँ, और हाईवे पर मैं बस इंतज़ार करता हूँ कि कब मुझे मैकडॉनल्ड दिखे और मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेसो शॉट ले लूँ। वाओ, मज़ा आ जाएगा आज। राइट टाइम एट राइट प्लेस। आप देख सकते हो सामने सनसेट दिख रहा है कांच में, ब्यूटीफुल सा ये व्यू है। मेरे ठीक पीछे का दृश्य आपको दिखाता हूँ कि क्या दिख रहा है। ये देखिए सामने ठीक सनसेट। चलो चलते हैं अंदर, एक छोटा सा ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक। तो दोस्तों जो अभी जो है एक एक्सप्रेसो शॉट का टाइम हो गया है क्योंकि अभी भी 180 किलोमीटर की राइड पूरी करनी है। रास्ते में कहीं नींद नहीं आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किरण तुझे मिस कर रहा हूँ, हर बार तेरे साथ ही एक्सप्रेसो किया है मैंने। चलने का वक्त आ गया है मेरे दोस्तों। सबसे कमाल की बात मैं आपको बता दूँ आज की कि मैकडॉनल्ड में अभी अभी एक व्यक्ति मुझे मिला जिसका नाम था संदिल, और उसके वो जो है भाई साहब तमिलनाडु से पिछले 6 दिनों से ट्रैवल करते हुए IBW शो के लिए गोवा पहुंचा है। ये बहुत ही कमाल की बात है। 6 दिन में आप यकीन नहीं करेंगे, उसने करीब करीब 4550 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। मैं क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ भाई साहब। ऐसे बाइक राइडर्स को मिलके जो खुशी मिलती है ना, जो एक्साइटमेंट मिलती है, जो हिम्मत मिलती है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो अपना आप में वाकई में सराहनीय है। क्या कहूँ मैं, ऑल द बेस्ट टू माई फ्रेंड। यार इसको देख के मुझे भी लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं तो सिर्फ 1-2 दिन का ट्रैवल करके घर पर आ जाता हूँ। चुका है तो फिर से एक बार पेट्रोल रिफिल कर देते हैं यहाँ से, और ज़रा हाई टायर की हवा भी चेक करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे का जो रास्ता आने वाला है पूरा ही सुनसान है, बहुत ही सुनसान जैसा रास्ता रहेगा, पूरा ही खाली खाली रहेगा। तो बेटर ये है कि फ्यूल और एयर दोनों प्रॉपर होने चाहिए ताकि कहीं प्रॉपर प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से एक बार बाइक रोकना पड़ा मुझे यहाँ पे। पेट्रोल यहाँ पे हो गया है, ऑलमोस्ट टैंक पूरा फुल है मेरा अभी। अब मुझे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हवा चेक कर लेते हैं, अगर वो भी प्रॉपर रही तो फिर बिंदास अगले 500 किलोमीटर तक कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो हवा भरने वाला ओके चालू तो है, हाँ रिफिल कर लेंगे एक बार।
मशीन बराबर है क्या? इतना आना नहीं चाहिए यार, देखता हूँ। चल भाई साहब, ये तो टेंशन वाला काम हो गया। कल रात को फ्रंट टायर में मैंने हवा भराई है 28 और बैक टायर में मैंने भराई है 30, और यहाँ पे जो है अब दिखा रहा है आगे वाले टायर का 47 और पीछे वाले टायर का 57। ये बात को समझ में नहीं आया यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत टेंशन वाला काम है। मुझे अभी अगली जगह पे जाके सबसे पहले टायर का प्रेशर चेक करना पड़ेगा ताकि पता चले यार, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये 20 दिखा रहा था, तो अभी 28 प्रॉपर हुई है यहाँ पे, और पीछे के टायर में भी 28 दिखा रहा था, अब 36 होकर 30 हो जाएगा, 90 नहीं दिखा रहा है। मतलब पीछे के टायर की हवा भी उसे प्रॉपर नहीं भरी है, पता नहीं क्या होता है यहाँ पे हाईवे पे। नाउ आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज़ ओके, नाउ आई कैन लीव फ्रॉम हियर सेफली। देख रहा हूँ मैं ये, यहाँ पे अक्सर यही करते हैं खेतों में, इस तरीके से आग लगाते हैं यहाँ पे, और जो बिना मतलब की जो फसल होती है उस फसल को यहाँ पे लोग जो है जला के ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यार काफ़ी सीरीज देखी थी मैंने एनिमल्स की, लायन और टाइगर्स और लेपर्ड्स की, और अभी भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जय से बात हुई, उससे कहा कि भाई तू रास्ता संभालना, रास्ते में बहुत जंगल है और कोई एनिमल वेनिमल ना आ जाए। तो एक तो वो एनिमल प्लेनेट के सारे सीन याद आ रहे हैं, और जयेश की बात देखिए, रास्ता जो है पूरा सुनसान है, कोई दूर दूर तक इंसान नहीं है। अभी संजोग से यहाँ पे ऐसा लगता तो नहीं है कि लायन लेपर्ड और कोई चीता यहाँ पे हो सकता है, बट जंगली एनिमल तो जंगली जानवर तो जंगली जानवर है यार, कोई भी आ भी सकता है, आई डोंट नो। बट सेफ्टी का प्रिकॉशन लेते हुए चलना है। किलोमीटर का जो रास्ता है ये बहुत ही ख़राब रास्ता है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा का पूरा रास्ता डैमेज है। ऐसे रास्ते बहुत संभालना पड़ता है। देखिए मैं इस वक्त खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ कि इस वक्त ऑलमोस्ट मेरे हेलमेट का जो वाइज़र है उसके अंदर फॉग जम चुका है। मतलब मेरे हिसाब से इस वक्त क्लाइमेट होगा 18-20 डिग्री टेम्परेचर। यार गोवा में ये टेम्परेचर ये महीने में, दिसंबर में, दिसंबर भी कहाँ, आज 30 तारीख है बॉस, क्या मज़ा आ रहा है। सच्ची कहूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस वक्त इस तरीके से रात को मैं राइड करते हुए गोवा पहुँचूंगा, और पिछले 2 घंटे से मस्त म्यूजिक सुन रहा हूँ मेरे हेडफोन्स में, हल्की वॉल्यूम में सुनते सुनते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग फन है ये, अब तक का सबसे बेस्ट एडवेंचर मैं कह सकता हूँ, और लॉन्गेस्ट राइड ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अब जो है सिंधु दुर्ग में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से देखिए पणजी 96 किलोमीटर, सावंतवाड़ी 37 किलोमीटर। एक बार ये अंधेरा, ये मेरी बाइक, ये ठंडा क्लाइमेट और हेडफोन्स, ईयरफोन्स में अमेजिंग म्यूजिक, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है, और इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जो बीच रिसोर्ट में कंफर्म हुई है, अभी अभी मुझे वहाँ से कॉल आ गया है, तो बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। बता दूँ दोस्तों कि इस वक्त सिर्फ 34 मिनट बचे हैं और 20 किलोमीटर का रास्ता है। ये जो जगह है, यहाँ पे कई बार रात को लेट नाइट पार्टीज के लिए आया हूँ, जिसका नाम है बुर्ज, लेकिन ये लास्ट ईयर भी बंद थी, इस साल भी ये बंद है। तो अब जो है यहाँ से करीब जो है 1 मिनट का ही रास्ता है यूकियो बीच रिसोर्ट, करीब करीब 200 मीटर, यानी कि 1 मिनट का रास्ता है। आगे से कोई राइट टर्न दिख रहा है शायद मुझे। ए यूकियो बीच रिसोर्ट कौन सा भाई? यूकियो, यूकियो बीच रिसोर्ट अंदर लू लेफ्ट में। ओके सो हियर वी केम यूकियो बीच रिसोर्ट, यहाँ से अंदर जाना है, यहाँ है। ओके सो ये है आज का हमारा आशियाना यूकियो बीच रिसोर्ट, लेट्स गो इनसाइड। दोस्तों अगर हिम्मत हो तो सब कुछ मुमकिन है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब घर से निकला था तो दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि 380 किलोमीटर की राइड है कोल्हापुर तक की, सोचा नहीं था कि मैं गोवा तक पहुंच जाऊंगा, और राइड की है मैंने 574 किलोमीटर, और ट्रिप टाइम मेरा रहा है 10 घंटे और 28 मिनट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो संकल्प बल अगर मजबूत हो, इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो, तो दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।